में इतना दम है कि राम के विरोधी बहुत कम बचे हैं। राम के विरोधियों को राम नाम का दिया दिख रहा है। आज हिंदुस्तान भर की गलियों से, मोहल्लों से, कस्बों से, शहरों और गांव-गांव से जो तस्वीरें दिखी हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि हर गांव अयोध्या धाम बन चुका है। आज वोट गिनने की जरूरत नहीं है। किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी अपार्टमेंट की छत पर खड़े हो जाइए और आप गिन सकते हैं कि कौन सा घर राम का है। अब राम पर युद्ध विराम हो चुका है। अब राम का नाम चलेगा और राम का ही काम चलेगा। लेकिन राम का इतना बड़ा काम मोदी ने कैसे करके दिखाया? क्या भगवान राम ने मोदी से ही ये काम कराया और इसके पीछे मोदी की बड़ी तपस्या है जो इस पूरे विवाद को हल करके भव्य राम मंदिर बनाने के निमित्त बने? आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन पाता? अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं का पुनर्जागरण हो पाता? अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या आज 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हो पाती? अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या हिंदुओं को उनके आराध्य इस रूप में मिल पाते? हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। पूरी दुनिया में रामलला के विराजमान होने की खुशी में दिवाली मनाई जा रही है। पूरा वातावरण राममय है। भारत समेत पूरी दुनिया में राम धुन गूंज रही है। श्री राम के बहाने सनातन पूरी दुनिया में गुंजायमान हो रहा है। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पेरिस के वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर के सामने हिंदुस्तान के सनातनी जय श्री राम का नारा लगाएंगे। कौन सोच सकता था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी सनातनी हिंदू राम नाम के ढोल की धुन पर नाचेंगे? यह सनातन का बढ़ता प्रभाव ही है कि अमेरिका में भी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, अपने धर्म का खुलकर प्रदर्शन और दिव्य दर्शन हो रहा है। मॉरिशस में सैकड़ों गाड़ियों के ऊपर सनातनी भगवा फहरा रहा है, बहुत बड़ी रैली निकल रही है। पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम अपने जन्म स्थान पर लौटे हैं। टेंट से निकलकर एक भव्य राम मंदिर में रहने के लिए आए हैं। जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है,
उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुआ है। इसीलिए तो मोदी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने पहुंचे तो भावुक हो गए। अपने आराध्य के दर्शन मोदी ने ऐसे किए। फिर क्षमा भी मांगी कि रामलला को स्वतंत्र करवाते करवाते 500 साल बीत गए। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। शायद इसी अपराध बोध का प्रायश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का कठिन तप करने का संकल्प लिया, जिसके बारे में आज कुछ नई जानकारियां पता चली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 दिन पहले ऐसा कोई तप करने की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री जानना चाहते थे कि वो ऐसा क्या अनुष्ठान करें कि प्रतिष्ठा से पहले खुद को सिद्ध कर सके। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े धर्म के जानकारों से जानकारी मांगी गई। ये पूछा गया कि ऐसे किसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान के लिए क्या विधि है। सभी जानकारों ने तमाम विचार विमर्श करके ये तय किया कि प्रधानमंत्री 3 दिन का व्रत करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का संपूर्ण उपवास करने का फैसला किया। 11 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी ने अन्न पूरी तरह से त्याग दिया था और आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव जी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी का ये उपवास इसी प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसी मंच पर खुलवाया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका, इसके जो अनेक कारण हैं उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री का संघर्ष, तप और संकल्प सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा तक ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मोदी का यह संकल्प उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ हो। मोदी का यह संकल्प
1980 के उस दशक का है जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। तब मोदी दूर दूर तक कहीं भी फ्रंट में नहीं थे, आडवाणी के सारथी हुआ करते थे। आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा लेकर अयोध्या के लिए निकले तो उनके गुजरात में सारथी मोदी ही थे। गुजरात में आंदोलन का पूरा दायित्व नरेंद्र मोदी के युवा कंधों पर था। राम जन्मभूमि आंदोलन की बहुत बड़ी आवाज साध्वी रितंभरा नरेंद्र मोदी के प्रभाव को याद करती हुई भावुक हो जाती हैं। मैंने देखा कि नरेंद्र भाई जो सब लोग जहां से सोचना बंद करते हैं वहां से उनकी सोच प्रारंभ होती है, और कोई भी नूतन विचार, ऐसा नूतन विचार जो किसी ने सुना नहीं होता, किसी ने उसके बारे में विचार नहीं किया होता, तो ये भगवान ने, भगवती सरस्वती ने उनको ये आशीर्वाद दे रखा है, क्योंकि योजना बनाना और योजना को सिद्ध करना, उसको उसको सफलतम स्तर पर लेके जाना, उनकी एक ही चिंता थी कि जातियों की दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए। उनकी एक ही चिंता और चिंतन था कि राम जो है वो एक ऐसा सूत्र है, उनका नाम, जिससे पूरे भारत को आबद्ध किया जा सकता है। और सबसे बड़ी उनकी चिंता थी जब मुलायम सिंह ने कहा कोई अयोध्या नहीं जाएगा, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, मार नहीं सकेगा, तब उन्होंने जिस तरह गुजरात के जन जन के मन में ये स्थापित कर दिया था कि ये राम जी की प्रतिष्ठा यानी भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है, उस प्रतिष्ठा पे आँच नहीं आनी चाहिए। इस प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए नरेंद्र भाई की जो योजनाएं थी और जो उन्होंने गुजरात के अंदर, और आपको तो पता है पूरे भारत में हिंदुत्व की गंगा का गोमुख गुजरात रहा, सबसे पहले गुजरात में परिवर्तन आया, अपने होने का बोध, अपने आप का बोध, अपने आप पे गौरव, तो गुजरात की धरती की वो धार पूरे भारत को अपलावित कर गई, पर उसके भगीरथ रहे हमारे नरेंद्र भाई। यही साध्वी रितंभरा आज अयोध्या में मौजूद थी। प्रधानमंत्री जब सब लोगों से मिल रहे थे तो साध्वी रितंभरा बहुत खुश थी और भावुक भी थी। मोदी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़े तो उन्होंने अपने नरेंद्र भाई को वापस बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और भावुक होकर कुछ कहने लगी। शायद अपने और नरेंद्र मोदी के राम आंदोलन के दिनों को याद कर रही होंगी। सोचिए, जो सपना नरेंद्र मोदी ने 80 और 90 के दशक में देखा वो आज जाकर पूरा हुआ। वो भी क्या दौर था जब अयोध्या जाने की भी मनाई थी, और आज ये दिन है जब मोदी ने पूरी अयोध्या को भगवा कर दिया है, सनातन की नई राजधानी बना दिया है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। हिंदी फिल्मों के जो फिल्म स्टार सनातन से दूरी बनाकर रखते थे, भगवा पहनने से कतराते थे, वो आज सुबह सुबह अयोध्या पहुंचकर पूरी शान बढ़ा रहे थे। और सनातन की इस अलख को जगाने का काम नरेंद्र मोदी ने ही किया है।